यूपी के कुछ दबंगइयों ने वहां के किसान की जमीन आज से 30 साल पहले हड़प ली थी, लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के लिए जब वो किसान अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो वहां पुलिस वालों ने किसान को ही पीटना शुरू कर दिया। किसान के बेटे ने जब ये सब होते देखा, तभी उसने ये ठान लिया था कि जिन भ्रष्ट पुलिस वालों ने उसके पिता के साथ बदतमीजी की है, उनसे ही एक दिन वो सलाम ठुकवाएगा। बस फिर क्या था, किसान के बेटे के अंदर इस कदर आग लग गई कि उसने यूपीएससी की तैयारी की और आईपीएस ऑफिसर बन गया। ये कहानी है यूपी के मशहूर सुपर कोप आईपीएस नवनीत सिकेरा की, जिनके नाम पर 60 से भी ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। इसलिए आईपीएस नवनीत सिकेरा के नाम तक से बड़े बड़े दबंगाइयों के पसीने छूट जाते हैं। आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद जब उनका पाला एक दबंगई से पड़ा, तो उन्होंने ये ठान लिया था कि पुलिस बनकर ही सिस्टम को ठीक करना सही रहेगा। नवनीत सिकेरा जी आरोपियों के साथ काफी सख्त रुख अपनाते हैं, लेकिन जनता के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं है। यही वजह है कि जब उनका मेरठ से ट्रांसफर हुआ, तो मेरठ के लोगों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए थे। आखिर दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद फेल कैसे हो गई? जी हाँ गाइस, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने के लिए मशहूर दुनिया की सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हमास के इस हमले से अनजान रह गई। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल इस हमले से पहले मोसाद का पूरा ध्यान वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे विवाद पर था। साथ ही इसराइली आर्मी का ये मानना था कि साल 2021 में हमास पर किए गए हमले के बाद हमास शांत हो जाएगा, लेकिन इसी शांति में गाजा पट्टी में मौजूद लड़ाके बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इस साल जून में इजरायली प्रधानमंत्री ने जब वहां की न्यायपालिका के खिलाफ एक बिल पास किया, तो जनता और आर्मी भी पीएम के खिलाफ विरोध करने लगी थी। और तो और, आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इजरायली आर्मी ने इस साल अप्रैल में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था, जिससे मुस्लिम देशों का इजरायल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमास को ईरान की मदद से तैयारी करने का मौका मिल गया, लेकिन इन सब में मोसाद गाफिल रह गया, जिसकी वजह से हमास इतना बड़ा हमला कर पाया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉई है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। अगर आपने ऑफिस के दिन याद करिए, जब आप ऑफिस जाते थे, तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी। पर सवाल ये है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। क्या ये आपको पहले से पता था? नहीं पता था तो चैट में लिखना मत भूलिएगा।